हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियोस की टॉपिक सभी यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है और आपका जो है गूगल एडसेंस का पिन भी आ चुका है, एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपने किया है, अब उसके बाद प्रोसेस होता है बैंक अकाउंट ऐड करने का। तो बैंक अकाउंट ऐड करने में एक ऑप्शन आपको मांगा जाता है स्विफ्ट कोड का। अब वही स्विफ्ट कोड जो है बहुत लोगों को नहीं पता होता क्या होता है, तो वहीं पर रुक जाते हैं और बैंक अकाउंट जो है ऐड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, स्विफ्ट कोड जो होता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके बैंक अकाउंट के लिए, क्योंकि यदि आपका जो है बैंक अकाउंट जिसमें भी है, आपको जो है उस बैंक का जो है स्विफ्ट कोड पता होना चाहिए। अब आप सोचोगे कहां से पता करें, क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट कोड पता करना होता है तो लोग जो होते हैं बैंकों में जाते हैं स्विफ्ट कोड पता करने के लिए, और वहां पर अपने टाइम का जो होता है वेस्ट करते हैं। वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिल जाती है कि आप जो है स्विफ्ट कोड पता करते करते अपना जो है दिन ही बर्बाद कर देते हो। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हो, आपके सामने जो बैठा है खुद ही गया था, इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली, लेकिन तब भी मैंने अपना स्विफ्ट कोड जो है पता कर लिया। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको जो है बताने वाला हूँ कि आप जो है घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हो और अपना काम जो है तुरंत ही कर सकते हो, बैंक अकाउंट ऐड भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। क्योंकि दोस्तों, अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। यदि देखना चाहते हो तो आई बटन पर वीडियोस मिल जाएंगी, जाकर उसे वॉच कर लीजिएगा। और सब तरीका जो है कोई नहीं बताता है कि कैसे पता किया जाता है, और कभी कभी तो लोग जो होते हैं गलत डाल देते हैं। यदि गलत जो है आप स्विफ्ट कोड वहां पर फिल करिए तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सारी मेहनत आपकी जो होती है पैसे में ही होती है। आप सोचते हो कब पैसा आया है, और भाई पैसे आने का जब प्रोसेस ही सही नहीं रहेगा तो पैसा कहां से आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा वॉच कीजिएगा, और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप जानना चाहते हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि एक भी रुपए नहीं लगते हैं। और इसी के साथ साथ नीचे लाल वाले बटन के बगल में बेल आइकन को भी यहाँ पे जरूर से क्लिक कर देना, क्योंकि आपका भाई जो है YouTube से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स आपको देता रहता है हमेशा हर वक्त। तो भाई दोस्तों, यदि आप पता करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन से स्विफ्ट कोड, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करिएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा, सर्च यही करना होगा स्विफ्ट कोड। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे स्विफ्ट कोड, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी देखिए वेबसाइट शो करने लगेंगी। तो अब यहाँ से जो है आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सबसे पहली वाली जो वेबसाइट दिया हुआ है VIC स्विफ्ट कोड फॉर एनी बैंक वाला, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ तो सबसे पहले आपको देखिए दिया है चेक ए स्विफ्ट कोड। जैसे आपको जो स्विफ्ट कोड दिया गया है, आप उस स्विफ्ट कोड के यदि आपने अपना स्विफ्ट कोड पता कर लिया, अब आप उस स्विफ्ट कोड के यदि यहाँ पर फिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कहाँ का है और किस बैंक का है। यहाँ पर ये भी पता कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्विफ्ट कोड लिया था पहले से, तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे कॉपी करता हूँ फिर चेक स्विफ्ट कोड पे क्लिक कर देता हूँ, दिस स्विफ्ट लुक्स राइट, यहाँ पर देखिए आपको राइट दे दिया गया। यहाँ पर आपको देखिए पूरा कंफर्म डिटेल दे दिया गया कि यह स्विफ्ट कोड जो है किस बैंक का है और किस स्थान का है, उसका सिटी कहाँ है और कंट्री किस कंट्री का है। तो आप यहाँ से उसका जो है पूरा बायोडाटा निकाल सकते हो आप एक स्विफ्ट कोड से। तो आप जो है आप ये भी समझ गए कि यहाँ एक स्विफ्ट कोड के द्वारा जो है आप सभी बैंकों का जो है डिटेल निकाल सकते हो कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, ये सब भी पता कर सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू। मैंने आपको ये भी बता दिया, अब यहाँ से जैसे ही आप कट करोगे यहाँ से इसे भी आप डिलीट कर दीजिएगा। अब देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पर यदि आप फाइंड ए स्विफ्ट कोड करना चाहते हो, अब यदि आप स्विफ्ट कोड अपना पता करना चाहते हो किसी बैंक का, तो यहाँ पर आपको अपनी कंट्री चूज करना है, आपकी कंट्री जो भी होगी यहाँ पर उसे फिल कर देना है। जैसे मेरी कंट्री इंडिया है तो मैं इंडिया पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दूसरा एक ऑप्शन दे दिया गया, स्टार्ट टाइपिंग ए बैंक नेम, जैसे कि आपका कौन सा बैंक है और किस बैंक का जो है आप स्विफ्ट कोड पता करना चाहते हो। तो मेरा बैंक जो है यूनियन
बैंक ऑफ इंडिया है, मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। आपका जो भी बैंक होगा यहाँ पर आप सर्च कर लोगे, सारा जो है बैंक शो कर देगा, आप अपना बैंक डिसाइड कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपको जो है अपनी सिटी चूज करनी है। बहुत लोगों की सिटी जो है यहाँ पर जो है शो नहीं करती है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक सिटी डाल रहा हूँ आजमगढ़, तो यहाँ पर देखिए आजमगढ़ सिटी जो है यहाँ पर नहीं शो कर रही है। तो आपके जो है आसपास जो है जितनी भी पड़ोसी सिटी होंगी उनका भी नाम डालकर आप चेक कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी सिटी ऐसी भी हैं जो शो नहीं करती। जैसे मैंने यल डाल दिया, मेरे आसपास जो है मेरी सिटी एक लखनऊ है, तो यहाँ से मैं लखनऊ की एक सिटी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो जैसे ये देखिए लखनऊ यहाँ पर दिया गया, तो लखनऊ मैं ले लेता हूँ। अब देखिए लखनऊ पर जैसे ही मैं यहाँ से खोज कर क्लिक करता हूँ, भाई सॉरी यहाँ पर जो है अभी नहीं क्लिक हुआ, तो यहाँ से देखिए मैं खोज लेता हूँ, क्योंकि लखनऊ जो है उसे भी ढूंढने में थोड़ा यहाँ पर टाइम भाई लगता है, क्योंकि जो भी आपकी सिटी होगी उसे आप अच्छे से खोज लीजिएगा, फिर उसके बाद ही यहाँ पर फिल करिएगा, क्योंकि आप जो अपनी सिटी को यदि गलत कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए मेरी कंट्री हो गई, फिर उसके बाद बैंक का नेम हो गया, फिर सिटी हो गई। अब आपको करना है फाइंड स्विफ्ट कोड पे, जैसे ही फाइंड स्विफ्ट कोड पर क्लिक करोगे ये देखिए आपका स्विफ्ट कोड जो है नीचे साइड में देखिए आपका स्विफ्ट कोड पूरा तरीके से लग गया। यहाँ पर दिया है द कोड फॉर एनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मेली कॉरपोरेशन बैंक ब्रांच इन इंडिया। इसका कहने का मतलब है कि आपके देखिए आगे का जितने भी स्विफ्ट कोड में आगे का देखिए आपको 2 2 4 2 6 2 8 अक्षर जो है मिल चुके हैं। अब लास्ट का जो है 3 कोड क्या होता है आपको जो है अपने बैंक के द्वारा पता करना होगा। नहीं यदि आप बैंक नहीं जाना चाहते हो तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो। यहाँ से तो आपने पता कर लिया कि आगे का 8 अक्षर क्या होता है, अब 3 अक्षर तो बस पता करना है। तो भाई उसे पता करने के लिए अब मैं आपको एक और तरीका बता दूं, यहाँ से इसे कट करना है। अब सब कुछ तो आपने पता कर लिया, बस लास्ट का 3 अक्षर आपको पता करना है। तो नीचे साइड में स्वैप अप करते हुए आपको चले आना है। जैसे ही आप नीचे साइड में आते हो तो कुछ यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। नीचे साइड में आप जैसे ही आ जाओगे, जैसे ही यहाँ पर देखिए नीचे साइड में आपको नहीं आना है, बल्कि सॉरी भाई मैंने आपको यहाँ पर जो है अब आपको लिखना है जो भी आपका बैंक होगा, आपको लिखना है जो भी आपका बैंक होगा, जैसे कि मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, तो आपका जो भी बैंक होगा यूनियन, सॉरी भाई मैं यहाँ पर लिख कर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए मेरा नीचे साइड में देखिए आपको लिखना है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और जो भी जिस जगह आपका बैंक होगा उसे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मेरा कोटला आजमगढ़ में है, और लिख दिया है मैंने स्विफ्ट कोड। आपका जो भी बैंक होगा उसका लोकेशन लिखिएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा, और फिर लिख दीजिएगा स्विफ्ट कोड। तो यहाँ पर देखिए मेरा यूनियन बैंक है, तो मैंने लिख दिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कोटला आजमगढ़ स्विफ्ट कोड। तो अब आपको यहाँ पर सर्च कर देना होगा। जैसे ही मैं देखिए सर्च करूँगा, ये देखिए इसका भी देखिए मुझे यहाँ पर 8 अंक उसके आगे का मिल चुका है। ये देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ पर मैं देखिए कॉपी यहाँ पर देखिए आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हो। चलिए मैंने 8 कोड यहाँ पर कॉपी कर लिया उस बैंक का। अब आपको 3 और कोड यहाँ पर अक्षर पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आप जो है फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, और चाहे तो आप उनके वेबसाइट पे भी यहाँ से जा सकते हो, और आप यहाँ से लोकेशन भी देख सकते हो कि यहाँ सही है कि नहीं सही है। आप यहाँ से अपना पैन कार्ड भी यहाँ पर देख सकते हो, देखिए मेरा पैन कार्ड भी, जैसे कि यहाँ पर अपना पिन भी देख सकते हो आप अपने जगह का, जिससे आपको विश्वास भी हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही लोकेशन है। अब देखिए आप जैसे ही कॉल पे क्लिक करोगे, अब जैसे ही कॉल पे क्लिक करोगे तुरंत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कॉल लग जाएगा ऑफिस पे। अब जैसे जैसे आपको प्रोसेस करेगा आप वैसे वैसे अपनी बटन को दबाइएगा, और जो भी दिक्कत होगी आप तुरंत ही वहाँ पर पूछ लीजिएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर जो है स्विफ्ट कोड पता करना है। तुरंत ही आपको स्विफ्ट कोड बोलेगा, और उसके बाद को जो है रिकॉर्ड भी कर सकते हो, नहीं तो आप कॉपी कलम पर लिख भी सकते हो। तो भाई बहुत ही आसान तरीका ऐसे स्विफ्ट कोड पता करने का। तो आप उससे जो है इस वेबसाइट से 8 अंक पता कर सकते हो, फिर उसके बाद 3 अंक आपका बच रहा है, तो 3 अंक पता करने के बाद ही आप फिल करना, आपका स्विफ्ट कोड बहुत ही राइट जो है फिल हो जाएगा। ये भी और भी अच्छा तरीका है, मैंने आपको दो दो तरीके बता दिए स्विफ्ट कोड पता करने का। तो जो आपको तरीका सही लगे उसी तरीके को यूज करना भाई। मुझे लगता है कि दूसरा तरीका बहुत ही सही है और जेन्युइन भी है, उसी तरीके को पक्का फॉलो करना भाई।
आपने भी अपने बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड पता कर लिया तभी वीडियोस को लाइक करना, अन्यथा आप जो है डिसलाइक करके भी जा सकते हो, क्योंकि आपका भाई जो है आप ही के सामने शपथ लिया था कि जो भी तरीका बताएगा पूरा जेन्युइन बताएगा, अन्यथा एक दिन लेट हो गया चलेगा, वीडियोस नहीं बनेगी तब भी चलेगा, लेकिन आपको जो है अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।